गुड इवनिंग स्टूडेंट। टुडे आज जो हमने टॉपिक है बेटा वो है प्रोपगेशनल एरर। कल हमने एब्सोल्यूट एरर के बारे में पढ़ा था, एब्सोल्यूट मीन एरर के बारे में, छोटे छोटा एरर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो कब था बेटा, जब आप अपने को सम करके मीन निकालते उस क्वेश्चन को सॉल्व। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोपगेशनल एरर, मतलब एरर को हमें पढ़ना है सम की फॉर्म में, डिफरेंस की फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में और डिवाइड। ये चार फॉर्म आते हैं, सिर्फ पांच फॉर्म है, चाहे वो आज डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन चार फॉर्म आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले क्या है, सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड। जैसे बेटा सपोज करो, अगर आपके सामने आ गया बेटा एक चीज की मेजरमेंट थी, वो आया बेटा 3.2 प्लस माइनस 0.2, और दूसरी चीज की मेजरमेंट थी 1.2 प्लस माइनस 0.4। ठीक है, सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये प्लस माइनस 0.2 क्या है, या वो एरर है जो आपने प्रोड्यूस किया, यानी किसी वायर की लेंथ 3.4 सेंटीमीटर थी, आपने गलती से उसे क्या किया, या तो 3 मेजर कर दिया, या फिर आपने क्या मेजर कर दिया, 3.4 सेंटीमीटर। फिर आपको दूसरी वायर दी गई बेटा, उसमें 1.2 सेंटीमीटर की वायर थी, आपने इतना एरर उसमें प्रोड्यूस कर दिया। तो ये पूछना चाहता है बेटा आपसे, अगर आपने टोटल एरर किया तो कितना प्रोड्यूस किया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना आया है, दोनों की अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो एरर कितना आएगा, और दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो एरर कितना आएगा। तो उसके लिए बेटा हमने क्या चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर्मूला चाहिए। तो रिक्वायर्ड फॉर्मूले के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला ड्राइव होने के बाद अपने को ध्यान में आएगा कि हमें कैसे यूज करना है इस क्वेश्चन को, जहां पर अपने सामने एरर गिवन। तो ध्यान से देखेंगे बेटा उस फॉर्मूले को कैसे ड्राइव। तो सबसे पहले मान लो मेरे पास कोई लेंथ है, मैं उसे जानबूझ कर गलत मेजर, क्योंकि जब तक गलत मेजर करूंगा नहीं तब तक मुझे पता ही नहीं है कि मैंने गलती क्या की है बेटा। तो इसलिए अगर अपने पास x क्या गिवन है बेटा, a प्लस b, मतलब एक x रिजल्ट आया वो किस फॉर्म में आया बेटा, a प्लस b की फॉर्म में रिजल्ट आया। a मान लो कोई लेंथ है, b मान लो कोई लेंथ है। ठीक है, ये विदाउट एरर है। अगर एरर प्रोड्यूस कर रहे तो x को क्या करना पड़ेगा बेटा, x को चेंज करना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, x प्लस माइनस डेल्टा। ये प्लस माइनस डेल्टा एक्स क्या है, ये एरर है। जैसे आपने अभी लिखा था 1.2 प्लस माइनस 0.4, ये एक्स है बेटा, लेकिन एक्स के अंदर ये क्या है, एरर है। तो उस एरर को लिखा जाता है डेल्टा एक्स। अगर बेटा एक्स में एरर आ गया, इसका मतलब ए में भी एरर है, तो उसको भी ऐसे लिखेंगे। तो बी में भी क्या है बेटा, एरर है, बी को भी क्या लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, अगर एक्स में एरर प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से जो बी में भी एरर। तो फार्मूला कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को इक्वेशन वन में पुट करते हैं। तो क्या होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b। आपने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पुट की, a की वैल्यू यहाँ पुट की, b की वैल्यू यहाँ कर दिया बेटा। कैसे लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x किसके इक्वल बेटा, a प्लस b, क्या लिख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी आपने रिजल्ट लिखा था a 2.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, b है आपके पास 1.2 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, ये आपके पास, और ये पूछ रहा है बताओ इसमें एरर सम की फॉर्म में क्या है। तो बेटा पहले तो हम सिंपल ही निकालेंगे, x क्या है बेटा, a प्लस b, a की बात करें तो विदाउट एरर, विदाउट एरर कितना था 2.1 और 1.2 है ना, ये जो टर्म है विदाउट एरर है, ये जो टर्म है विदाउट एरर, और ये क्या है एरर के साथ। तो डेल्टा एक्स इसके इक्वल है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये है मोमेंट। तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा 0.1 और 0.4, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा बेटा 0.5, और ये कितना हो जाएगा बेटा 3.2। तो आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा सो 3.3 प्लस माइनस 0.5 आंसर निकालिए इस फॉर्म का, यानी अगर अपने पास क्वेश्चन गिवन है सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल फॉर्म, ये
फिर हम उसके बाद क्या निकालेंगे उसकी एरर, और ये क्या निकला उसकी एरर। तो दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा 3.3 प्लस माइनस 0.3, तो इसको क्या बोलोगे एरर इन सम। ठीक है बेटा, प्रोपोगेशनल एरर इन सम। ठीक है, अब अपने को डिफरेंस की फॉर्म में निकालना है, तो डिफरेंस की फॉर्म में कैसे निकालोगे, चीज तो यही है अपने पास, एक्स भी यही है, ए भी यही है, अपना बी भी यही है। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन पर करो। ठीक है, अब दोबारा से यही वैल्यू यहां पर पुट करो, क्या होगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस बाहर लिखना पड़ेगा बी प्लस माइनस डेल्टा, कितना आएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी, माइनस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और माइनस माइनस को प्लस, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। कैसे हम ए माइनस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा। ठीक है, क्या ये फैक्टर फिर कैंसिल, बिल्कुल, क्योंकि एक्स इक्वल टू क्या है माइनस ए बी, तो बेटा प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा। ठीक है, इससे आगे छोड़ नहीं होता, पिछली बार क्या था बेटा सारी जगह जो साइन थे वो सेम, इस बार ध्यान से देखो यहाँ साइन डिफरेंट है ऊपर नीचे, तो क्या करें, तो इसके बारे में लिखेंगे देर आर फोर पॉसिबल टर्म। यहाँ पर चार पॉसिबल टर्म है, कौन कौन सी, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा है ना, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है ना बेटा, बिल्कुल है, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी है ना बेटा, बिल्कुल है बेटा। ठीक है, और अगले कौन से बेटा, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन एरर में क्या नहीं करते बेटा, नेगेटिव टर्म इंक्लूड नहीं करते, ना इसको इंक्लूड करेंगे ना इसको इंक्लूड करेंगे ना इसको इंक्लूड करेंगे, इट मीन्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा बेटा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा ये हो जाएगा बेटा आपका। ठीक है, जैसे देखा जाए तो रिजल्ट दोनों का सेम है, क्योंकि एरर का फर्क है इनका नेगेटिव होता है। अगर वो क्वेश्चन इसमें अप्लाई करने के लिए कह रहे तो जैसे एक बॉडी का टेम्परेचर है 3.2 प्लस माइनस 0.6 सेल्सियस बेटा, फारेनहाइट फॉर्म में भी कर सकते हो, 1.8 प्लस माइनस 0.4 सेल्सियस बेटा। ठीक है, अब ये आपसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर इन एरर फॉर्म एंड इन नॉर्मल फॉर्म। अगर नॉर्मल फॉर्म की बात की जाए तो नॉर्मल फॉर्म तो ये है, तो बेटा टेम्परेचर कितना होगा, T1 माइनस क्या बेटा T2 कितना 3.2 माइनस 1.8 कितना आ जाएगा बेटा 1.4, क्यों 1.4 ही आएगा ना बेटा, ये होगी नॉर्मल फॉर्म। इन एरर फॉर्म, एरर फॉर्म का रिजल्ट ये है प्लस माइनस डेल्टा टी इस पर आएगा बेटा, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, तो डेल्टा T1 कितना है 0.6 0.4, तो रिजल्ट कितना आ रहा है बेटा 1 सेल्सियस बेटा, तो प्लस माइनस डेल्टा टी, तो बेटा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा 1.4 प्लस माइनस 1 सेल्सियस। तो बेटा एक तो निकालना है आपने को नॉर्मल फॉर्म, और एक निकालना बेटा आपने को किस फॉर्म में एरर, दो क्वेश्चन हो गए, एक हो गया x इक्वल टू a प्लस बी, एक हो गया x इक्वल टू a माइनस बी, दोनों कंसेप्शन हमने यही यूज किया। ठीक है, अब आता है तीसरा कंसेप्ट मल्टीप्लीकेशन एरर का, तो फटाफट मल्टीप्लीकेशन के बारे में देखिए बेटा, ये सारे टॉपिक एक तरह से एक दूसरे के ही ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में क्या है, कंसेप्ट वही है सेम जो भी किया था, क्या करना है अभी तीनों की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो क्या होगा अगर x की जगह पुट करेंगे तो x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस डेल्टा b है ना, सेम था ना बेटा, यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं बेटा तो यहां तो 1 बच गया क्योंकि वो तो कॉमन चला गया, प्लस माइनस, अब ये मत सोचना कि डेल्टा x में से x बाहर ले गया बेटा, डेल्टा x का मतलब पहले बता चुका हूं क्या है, एरर है 0.4। अगर आप 1.2 कॉमन लेते हो तो 1.2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा,
यहां वन बच जाएगा प्लस माइनस क्या बचेगा 0.4 बाय में क्या बेटा 1.2 है ना, क्योंकि इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो वही रिजल्ट बनना चाहिए। मल्टीप्लाई करो आप इस अंदर 1.2 प्लस माइनस 0.4 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 क्योंकि 1.2 की दोनों से मल्टीप्लाई होगी इससे बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर x को मान लूंगा तो यहां y में x आ जाएगा, यहां पर a 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, b कॉमन 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय a इनटू d क्या था बेटा x था, आगे इधर बताओ ठीक है। तो बेटा ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, किसके इक्वल बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, पहले बार दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय a, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो भी प्लस, डेल्टा a डेल्टा b बाय क्या बेटा a, 1 से 1 को कर दो कैंसिल ठीक है। बेटा एक चीज ध्यान करो, डेल्टा a क्या है वेरी स्मॉल, डेल्टा b भी क्या है वेरी स्मॉल, और स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या बन जाता है वेरी वेरी स्मॉल, जैसे 0.02 की मल्टीप्लाई की 0.02 से तो आंसर क्या बनेगा 0.004, दिस बिकम वेरी वेरी स्मॉल। तो बेटा हम क्या करेंगे इस टर्म को क्या कर देंगे बेटा नेगलेक्ट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा बेटा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, निशान सेम है बेटा, ऐसे हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाय एक्स डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय। तो ये आपका क्या हो जाएगा एरर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ठीक है, इसमें बन जाएगा एरर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। बेटा नेक्स्ट दो है, अब अपने पास डिवाइड फॉर्म है, तो डिवाइड फॉर्म में क्या है बेटा अगर हम देखें इस रिजल्ट को ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन वाले रिजल्ट को ठीक है, तो डिवाइड फॉर्म में क्या है बेटा अब अपने डिवाइड फॉर्म में लेके चलना है ठीक है, डायरेक्ट हम वो वाला क्वेश्चन करना है तो क्या होगा इस बार b प्लस माइनस डेल्टा b आ जाए डिवाइड में है ना। बेटा x कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, a कॉमन लिया बेटा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a ठीक है बाय में, b कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b, तो a बाय b x से क्या होगा कैंसिल आउट 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। बेटा यहां पावर कितनी है इसकी 1 है, पावर कितनी बेटा 1 ऊपर ले जाओ क्या होगा पावर माइनस 1 हो जाएगा ठीक है, आज से तीन के पावर किसी की माइनस 1 सॉल्व नहीं की होगी ना बेटा, लेकिन आगे बढ़ोगे माइनस वन कैसे सोल्व किया जाता है तो एक थ्योरम होती है बेटा जिसे हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, क्या बोलते हैं बेटा बाइनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स के अंदर आया है ठीक है। आपने लिए कोई जाना नहीं बाइनोमियल थ्योरम, क्या कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम पावर को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते बस इतना ही है। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या होगा बेटा हो जाएगा बट दिस इज वेरी स्मॉल तो क्या करते हैं बेटा कैंसिल आउट 1 से 1 कैंसिल आउट तो क्या बचेगा बेटा ध्यान से देखना प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इसके इक्वल बेटा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी क्या ये दोबारा से वही फॉर्म नहीं बनेगी जो थोड़ी देर पहले थी बेटा सबट्रैक्शन में तो हम डेल क्या लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई प्लस वाली टर्म लिखेंगे बेटा प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी वाई तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड फॉर्मूला किसके लिए बेटा एरर इन डिवाइड ठीक है। मल्टीप्लीकेशन फॉर्म का भी रिजल्ट हमने देख लिया डिवाइड फॉर्म का भी रिजल्ट हमने देख लिया बस इसको अप्लाई करना है
ठीक है ना, जो अपने पास क्वेश्चन गिवन है उसमें अप्लाई करते हैं। ये अगर क्वेश्चन गिवन है ए अपने पास है बी अपने पास है और डेल्टा है तो इजीली निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जाए। बाकी आप ट्राई करके देखना, अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा अपने को कुछ मिलता है, ठीक है। तो बेटा अब देखो हम इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, ठीक है। तो रिजल्ट अपने पास है, मल्टीप्लीकेशन में सिंपल फॉर्म जो होगी एक्स इक्वल टू ए इंटू बी, और अगर हम बेटा इसके एरर की बात करेंगे तो एरर की फॉर्म में रिजल्ट हमने निकाल लेंगे, ठीक है। डिवाइड की बात करेंगे तो एक्स इक्वल टू ए बाई बी, और अगर हम इसके एरर की बात करेंगे तो ये रिजल्ट हमने निकाला। क्वेश्चन अपने पास ये थी, लेंथ है 7.2 प्लस माइनस 0.04 और ब्रेथ है बेटा अपने पास, ये क्या है जो सिंपल फॉर्म में था और ये क्या है कि एरर। तो सबसे पहले मान लो मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब कौन सी फॉर्म चाहिए बेटा हमने को, मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे निकालें बेटा, तो हम निकालेंगे, यहां सॉल्व कर लेते हैं बेटा। एरिया कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले लेंथ इनटू क्या बेटा ब्रेथ, मतलब ये सिंपल फॉर्म हम लेंगे। लेंथ कितनी बेटा इसकी 7.2 और ये कितनी है 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लीकेशन करके हम यहाँ चलते, वो क्या आ जाएगा बेटा अपना एरिया। इन एरर फॉर्म, ये क्वेश्चन किस में बेटा एरर फॉर्म में, एरर फॉर्म में बेटा ये रहा डेल्टा एक्स बाई एक्स इसके इक्वल डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा रेड बाई रेड, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या गिवन है, नहीं एक्स ये रहा बेटा, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या लिखोगे 7.2 मल्टीप्लाई 1.8, ठीक है। ये क्या है बेटा आपके सामने x इक्वल टू किसके, डेल्टा एक्स गिवन है क्या बेटा, इसको क्या बोलते हैं डेल्टा एक्स 0.04 बाय 7.2 प्लस 0.01 बाय क्या बेटा 1.8, ठीक है। एलसीएम ले लें नीचे, ले लो डेल्टा एक्स बाई एक्स इस x को उधर ही ले जाते हैं बेटा 0.04 मल्टीप्लाई 1.8, ठीक है, प्लस 0.01 मल्टीप्लाई 7.2 डिवाइड बाय क्या बेटा 7.2 मल्टीप्लाई 1.8, एक तो क्या बेटा 7.2 मल्टीप्लाई 1.8, क्या ये फैक्टर से कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका डेल्टा x, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका डेल्टा x कितना आएगा 0.072, ठीक है, प्लस कितना आएगा बेटा 0.072, ठीक है। इन दोनों का ऐड कर दो, ये आपका क्या आ गया डेल्टा एक्स और ये क्या आ गया बेटा आपका एक्स। तो आप क्या निकाल देंगे इसके अंदर एरिया निकाल देंगे, ठीक है। तो एरिया हमने निकाला इस फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, सपोज करो ये इस क्वेश्चन को चेंज कर देता और ये क्या क्या देता, दिस इज मास एंड दिस इज वॉल्यूम, ये मास और ये वॉल्यूम है और हमें निकालनी है डेंसिटी। अब डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मतलब ए बाय बी। अब कौन सी फॉर्म चाहिए बेटा अपने को, डिवाइड फॉर्म चाहिए। तो डेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को चेंज करेंगे बेटा। अब डेंसिटी की फॉर्म में हम निकालेंगे मतलब डिवाइड फॉर्म, तो बेटा सिंपल डेंसिटी क्या होगी, अगर सिंपल डेंसिटी की बात करें तो सिंपल डेंसिटी क्या होगी, एक्स से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे a by b मतलब 7.2 by 1.2 क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो पता लग जाएगा मास को किसी है, ठीक है। अब अपने को एरर भी निकालना है साथ साथ, तो एरर के लिए कौन सा फार्मूला चाहिए, ये मतलब डेल्टा एक्स बाई एक्स डेल्टा ए बाई ए, यहां पर मास को रिप्रेजेंट कर रहे डेल्टा बी बाई ए, तो डेल्टा एक्स नहीं पता, एक्स तो पता लग गया ना 4 है, डेल्टा ए कितना है 0.04 7.2 प्लस 0.01 1.8, ठीक है ना। तो बेटा फिर से वही तरीका है, डेल्टा एक्स 0.04 मल्टीप्लाई 1.8 प्लस 0.01
मल्टीप्लाई 7.2, ठीक है, 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 ऊपर को आता है। इस बार कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखना, पिछली बार तो कंसेप्ट ही वैसा था इसलिए कैंसिल होगा। इस बार इस पूरे को सॉल्व करके क्या निकाल लोगे आप? डेल्टा एक्स आपके पास आ गया, डेल्टा एक्स आपके पास। इस क्वेश्चन में एक दो बार चेंज भी आ जाता है, क्या पूछ लिया जाता है बेटा आपसे? आपसे पूछ लिया जाता है फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। अगर वो परसेंटेज एरर पूछे तो क्या फार्मूला था परसेंटेज एरर का? उसका फार्मूला था डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू क्या बेटा? 100। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 100 से क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर बन जाएगा डेंसिटी। मतलब 4 घर ही ले जाए वापिस नहीं रखो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तो क्या करो बस 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर इन क्या बेटा? डेंसिटी। ठीक है, तो अगर आपसे परसेंटेज एरर पूछे तो एक्स को ले जाने की जरूरत नहीं है, एक्स को नीचे रखो, सिर्फ 100 से क्या करो उसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, एरर इन पावर फॉर्म लास्ट टॉपिक देखेंगे। एरर इन पावर फॉर्म या फिर एक काम कर लेते हैं, इस टॉपिक को बाद में कर लेंगे, ठीक है, एरर इन पावर फॉर्म, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा 12 के ऊपर ही। ठीक है, फटाफट देखेंगे, अगर पावर की फॉर्म में एरर आ जाए, ठीक है, किस फॉर्म में आ जाए बेटा? पावर की फॉर्म, तो कैसे करेंगे बेटा? यानी एक्स अपने पास आ गया ए रेज पावर एन, बी रेज पावर एन, ठीक है, सिंपली कर लेते हैं क्योंकि अपने पास इसकी ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, तो क्या करेंगे? सिंपल डेल्टा एक्स बाई एक्स किसके इक्वल? पावर आगे डेल्टा ए बाई ए प्लस एन डेल्टा बी बाई बी, ऐसे पावर। ठीक है, वैसे तो बुक में लोगेरिथम लेकर सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, सिंपली तो यह आएगा लोगेरिथम फॉर्म में, देखो कैसे करते हैं, तो इसका क्या करते हैं, टेकिंग लोगेरिथम बोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने को दो बातें समझनी पड़ेगी। क्या? अगर आप लोगेरिथम एम इंटू एन का ले रहे हैं, लोगेरिथम पहले आता था बेटा सिलेबस में, अब नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगह यूज है। लोगेरिथम एम इंटू एन क्या होता था? अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो लोगेरिथम एम प्लस लोगेरिथम क्या बेटा? अगर बेटा लोगेरिथम एम बाई एन का लेना पड़े तो वो क्या आ जाएगा? लोगेरिथम एम माइनस लोगेरिथम एन। ठीक है बेटा, डिवाइड में माइनस आ जाता है, मल्टीप्लाई में प्लस। अगर सपोज करो इसकी पावर भी गिवन होती है, इसमें इसकी पावर ए उसकी पावर बी होती बेटा, तो क्या होगा? पावर को बस आगे लिखते हैं, ठीक है ना, किसी भी क्रम में जिस तरह लोगेरिथम हमारे सामने आ जाए एक्स रेज टू पावर बी, तो क्या होता है बेटा? बी आगे चला जाता है और ये क्या रह जाता है? एक्स, ठीक है ना, तो इस पर अप्लाई करके देख लेते हैं बेटा, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो कैसे होगा आपको देखो, इस क्वेश्चन का लोगेरिथम करो, तो लोगेरिथम ऑफ एक्स किसके इक्वल? लोगेरिथम यहाँ ए की पावर एन और बी की पावर किसका होगा? एन का। बाय फॉर्म है तो क्या करोगे? ए रेज टू पावर एन माइनस लोगेरिथम बी रेज टू पावर क्या बेटा? एन। पावर को उठती नहीं, पावर कहाँ चले जाते बेटा? आगे, लोगेरिथम ए एन लोगेरिथम बी। ठीक है बेटा, अब हमें एरर निकालना है, हम क्या करते हैं इसका फॉर्म डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो ये बन जाता है डेल्टा एक्स बाई एक्स एन एज इट इज डेल्टा ए बाई एन एज इट इज डेल्टा बी बाई, लेकिन एरर में नेगेटिव आता है, नहीं आता ना बेटा, तो इसको क्या कर देंगे? पॉजिटिव, और ये अपना बन जाएगा। तो हम पहले ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल देख लो इसका फटाफट, जिस तरह अपने पास एक्स है ए रेज टू पावर 3/2 बी रेज टू पावर 1/2 रूट सी, इसलिए पूछा फाइंड द एरर इन एक्स की फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में क्या आएगा? डेल्टा एक्स बाई एक्स, हमें तो डायरेक्ट में क्या आदत होगी है, पावर आगे ले आए ले आए बेटा डेल्टा ए बाई एक्स, उसकी भी पावर आगे ले आए डेल्टा बी बाई एक्स। अब ये डिवाइड फॉर्म है बेटा, यहाँ सी भी तो डिवाइड की फॉर्म में था, लेकिन रिजल्ट क्या है? प्लस की फॉर्म में ही आया, तो इसे क्या लिखोगे? प्लस पावर कितनी है? 1/2 डेल्टा सी बाई सी प्लस 1/2 डेल्टा बी बाई। ठीक है बेटा, ए इसने परसेंटेज एरर दे दिया 1%, बी ने दे दिया 2%, सी ने दे दिया बेटा 3% और डी ने दे दिया बेटा 4%। अब ये पूछ रहे हैं डेल्टा एक्स बाई एक्स में परसेंटेज एरर बताओ,
तो बेटा परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है, अभी पढ़ा था डेल्टा ए बाई बी ही तो होता है, डेल्टा बी बाई बी तो होता है बेटा, डेल्टा सी बाई सी तो होता है, डेल्टा डी बाई डी होता है। क्वेश्चन में नहीं था इसने कि डेल्टा ए बाई ए 1% है, लेकिन इसने क्वेश्चन में हिंट दिया कि ए के अंदर परसेंटेज एरर कितना है 1%, तो इसका मतलब इसे लिखा जाएगा डेल्टा ए बाई ए। इस वैल्यू को यहां पुट कर दें, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 1/2 × 1/2 × 3 × 1/2 × 4, इसे सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपका एरर इन, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, आज के लिए।